पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। एक और बड़ी खबर, जहां आग का तांडव जारी है, आजकल लगातार आए दिन कहीं न कहीं आगजनी होता रह रहा है। बीतेश मोहन सिंह की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में अग्निदेव का तांडव जारी है। विभिन्न प्रखंडों में आग लगी की हुई घटनाओं में अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, जो पेड़ों के नीचे या तंबू में सर छुपाने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, उनका सब कुछ जलकर राख हो चुका है, जिनका निवाला तक छीन चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को दोपहर जोगापड़ी प्रखंड अंतर्गत नवालपुर थाना के बल्दिया गांव स्थित गेहूं के खेत में लगी आग में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब 20 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना से आसपास के गांव में कोहराम मच गया है और हजारों लोग इकट्ठा हो गए तथा आग पर काबू पाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन उनका प्रयास पूरी तरह से असफल रहा। इस अग्निकांड में लाखों रुपए की गेहूं जलकर नष्ट हो गई और 35 किसानों की गहरी कमाई पर पानी फिर गया। सूत्रों के अनुसार बीड़ी पीकर फेंकने से आग लगने की बात बताई जाती है। इस आरोप में ग्रामीणों ने चौबे टोला निवासी बुजुर्ग गौरी शंकर महतो एम उनकी पत्नी को बुरी तरह पिटाई कर दी। वहीं इसी थाने के पिपरिया ग्राम में आग लगने से लगभग 100 घर जलकर राख हो जाने की खबर है। तेज हवा के कारण कुछ भी नहीं बचाया जा सका। उसका इधर बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 20 में रविवार की रात्रि अचानक आग लग जाने से 5 लोगों के घर जलकर राख हो गई। ग्रामीणों द्वारा भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गया। बताया जाता है आज प्रमोद मुखिया के बंगाल से लगा और बिंदा बंगला से लगा और बिंदा मुखिया, प्रमोद मुखिया, योद्धा मुखिया, लाल मुखिया एवं हीरा मुखिया का घर जलकर राख हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया।